चार सात, सात दो नौ, इसका मतलब किससे जाएगा? तीन से। तीन से दिया आठ, दिया चौबीस, तीन एकम तीन, पुनः वापस जोड़े आठ और एक नौ, वापस तीन से जाएगा, तीन दूना छह, असल बची दो, तीनों साता इक्कीस, तीनों साता इक्कीस, वापस जोड़े दो और सात नौ, किससे जाएगा? तीन से। तीन से जाएगा तीन, आठ किया चौबीस, नौ किया सत्ताईस, नौ बार गया, वापस तीन से दे क्या बन गया? तीन। वापस तीन से दे क्या बन गया? एक। अवाजी गुणनखंड में आपको क्या करना होता है? एक। अब देखिए तीन तीन का जोड़ा उतारे, दो सौ तैयारी के गुणनखंड होंगे, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, अवाजी गुणनखंड में हमने लिख दिया तीन 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 पाँच। अब हमें गुण वर्ग पढ़ने के, गुण घन बनने के लिए कि तीन तीन का जोड़ा बनाना है। एक जोड़ा बन गया, दो जोड़े में दूसरे वाले जोड़े में कितने तीन की कमी है? दो हमारे पास आ गए, कितने की कमी है? एक तीन की कमी है। कितने की कमी है? एक तीन की कमी है। तो वो बोल रहे हैं गुणा करने पर, किससे गुणा किया हमने? तीन से। किससे गुणा किया? तीन से, क्योंकि हमें तीन का जोड़ा बनाना था, या तीन का जोड़ा बन गया, या तीन के जोड़े में एक तीन कम था, तो हमने दो सौ तैयारीस को किससे गुणा किया? तीन से। दो सौ तैयारीस को तीन से गुणा किया, क्या आ गया? तीन त्री नौ, तीन चौक बारह, असल के एक, तीन दुना छः और एक सात, तो कितने आएंगे? सात सौ उनतीस। कितने आएंगे? सात सौ उनतीस, जो एक पूर्ण घन संख्या है, जो एक पूर्ण घन है। क्या है? पूर्ण घन है। किसकी कमी थी? तीन की थी, और हमने तीन से गुणा कर दिया, बढ़ गए सात सौ उनतीस। अब देखिए दो सौ छप्पन, दूसरा उठाते हैं दो सौ छप्पन, इकाई का अंक क्या है? छः। किससे जाएगा? दो से, दो एकम दो, दो दुनी चार, दो दुनी चार, बचा एक, दो आटा सोलह, दो आटा सोलह, वापस दो से दो, दो छम बारह, दो चौक आठ, वापस दो से दें, दो किया छः, दो दुनी चार, वापस दो से दें, दो एकम दो, एक शेष में बच गया, दो छम बारह, वापस दो से दें, कितना आएगा? आठ। दो से दें कितना आएगा? चार। दो से दें कितना आएगा? दो। दो से दें कितना आएगा? एक। कितना आएगा? एक। दो सौ छप्पन को लिखें, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, कर लिया अवाजी गुणनखंड हमने, और इसको अवाजी गुणनखंड रूप में लिख लिया। अब हमें क्या चेक करना है? घन। क्या चेक करना है? घन। घन में तीन तीन का जोड़ा बनता है, बना है, एक दो तीन जोड़ा बन गया, एक दो तीन जोड़ा बन गया, एक दो, किसकी कमी आ रही है? एक दो की कमी आ रही है, तभी जोड़ा बनेगा। इसका मतलब दो सौ छप्पन को किससे गुणा करोगे? दो से। दो सौ छप्पन को दो से गुणा किया, कितना आ गया? बारह, असल का एक, पाँच दो दस और एक ग्यारह, असल एक, दो दूनी चार और एक पाँच, कितने बन गए? पाँच सौ बारह। पाँच सौ बारह जो पूर्ण घन है, जो पूर्ण घन है। यह है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा पार्ट। से गुणा किया? दो से, क्योंकि तीन तीन का जोड़ा बनाने में हमारे पास दो की कमी थी, इसलिए हमने दो से गुणा कर दिया, या तीन तीन के जोड़ा बनाने में तीन की कमी थी तो हमने तीन से गुणा कर दिया। इसी तरह देखिए बहत्तर, क्या है? बहत्तर, दो से भाग दिया, दो दिया छह, हंसने लगी एक, दो छम बारह, दो से भाग दिया छत्तीस में कितनी बार गया? अठारह, दो से भाग दिया कितनी बार गया? नौ बार, तीन से भाग दिया तीन बार गया, तीन से तीन में भाग दिया एक। इसका मतलब बहुत के अवाजी गुणनखंड आए आपके दो दो दो, एक दो तीन दो, और तीन आए दो, तीन इंटू
तीन। हमें छह करना है घन, तीन तीन का जोड़ा बनाए, तीन का जोड़ा ये भी किसमें तीन संख्या का जोड़ा बने, मेरे कमी किसकी है तीन की। इसका मतलब बहुतक को किससे गुणा करोगे, तीन से। बहुतक को तीन से गुणा करो, तीन गुणा छः सात या इक्कीस, मतलब कितना आएंगे 216 जो पूर्ण धन है, 216 जो पूर्ण धन है। इसी तरह देखिए 675, 675 इकाई का अंक क्या है पाँच, इसका मतलब किसका भाग जाएगा पाँच का, पाँच का भाग छः में गया एक बार, शेष बचा एक, तीन पंजा पंद्रह, शेष बचे दो, सत्रह है ना, सत्रह में से पंद्रह गए दो, पचम पच्चीस, वापस कौन आ रहा है पाँच, पाँच का भाग दे पाँच में दस, कितने बच गए तीन, पाँच सत्ता पैंतीस, पाँच सत्ता पैंतीस। अब पाँच का भाग नहीं जा रहा है, दो और सात कितने पे नौ, तीन से जाएगा तीन सत्ताईस, तीन थ्री नौ, तीन एक और तीन, इसका मतलब यह आया पाँच पाँच तीन बार तीन, पाँच पाँच एक दो तीन, तीन बार तीन और पाँच आए दो बार, तीन तीन का जोड़ा बना है, यहाँ बन रहे हैं दो ही संख्या और ये बन रहा पूरा जोड़ा, इसका मतलब इसको किससे गुणा कर दें पाँच से, तब ये जोड़ा बन जाएगा, ये जोड़ा बना हुआ है, इसका मतलब हमने किससे गुणा किया पाँच से, 675 को पाँच से गुणा करें, पचम पच्चीस असल के दो, सात पंजा पैंतीस, पैंतीस दो सैंतीस, असल लगी तीन, पाँच हम तीन, तीन तीस तैतीस, 3375 कितने आए 3375, 3375 जो पूर्ण धन है। आगे देखिए 100, 100 है, 100 के अवाजी गुणनखंड कीजिए, पहले 2 से भाग दिया, 2 का भाग 10 में दिया 5 और 0 का 0, वापस 2 का भाग दिया कितना आ गए 25, अब 2 का नहीं जाएगा 5 का 2, पचम 25, पचम 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, अब क्या जोड़ा आ रहा है 2 × 2 × 5 × 5 × 5, अब देखिए घन 6 करना, तीन तीन का जोड़ा 6 करना, यहाँ कितने हैं 2, यहाँ भी कितने हैं 2, इसका मतलब दोनों में भी जोड़ा नहीं बन रहा है, यहाँ जोड़ा बनाने के लिए मैं किससे गुणा करूँ, पहले 2 से, 2 से कर लिया, फिर आ रहा 5, 5, 2 से गुणा किया मैंने 5, 5, यहाँ जोड़ा बनाने के लिए पहले किससे गुणा करना पड़ेगा 5 से, क्योंकि यहाँ मैंने 5 से गुणा किया सीधा जोड़ा बन गया, यहाँ जोड़ा बना हुआ था, इसमें जोड़ा बना हुआ था और यहाँ हमने इसको जोड़, फिर इसमें हमने इसको लिखा, इसमें इसको लिखा पूरा, अब यहाँ दोनों ही जोड़े नहीं, दोनों भी जोड़े नहीं, ना तो 2 का जोड़ा बन रहा है ना ही 5 का जोड़ा, तो 2 का जोड़ा बनाने के लिए 2 से गुणा किया, 5 का जोड़ा बनाने के लिए 5 से किया, तो 2 × 5 10, तो 100 को 10 से गुणा करेंगे लिख जाएंगे 1000 जो पूर्ण धन संख्या है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्न संख्याओं को भाग देने पर, क्वेश्चन है भाग लेने पर पूर्ण धन प्राप्त हो जाए, क्या हो जाए पूर्ण धन प्राप्त हो जाए, किस संख्या से भाग देते हैं जिससे ये पूर्ण धन बन जाए। देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन, आपका इसका पहला क्वेश्चन है 81, दूसरा क्वेश्चन है इसका 128, तीसरा क्वेश्चन है इसका 135, चौथा इसका क्वेश्चन है आपका 192 और पांचवा क्वेश्चन है इसका 704, 704। देखिए क्या कह रहा है, वे सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्न संख्याओं को भाग करने पर पूर्ण धन बन जाए, चाहे भाग करो चाहे गुणा करो, आपको सबसे पहले दी गई संख्याओं का अपाच्य गुणनखंड ज्ञात करना है। संख्या है 81, सबसे पहले 81 के अपाच्य गुणनखंड कीजिए, देखो यहाँ
बनाने के लिए हमें कितने का जोड़ा चाहिए? तीन का। तीन का जोड़ा चाहिए बन गया। अब हमारे पास ये तीन एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसको भाग देना है, इसको हटाना है, गुणा करने में गुणा करना है, भाग देने में यहाँ से हटाना है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो तीन एक्स्ट्रा बचा हुआ है उसमें 81 का भाग दे दो, तीन का भाग दो, तीन का भाग आठ में गया, दो आठ छः बच गया, आंसर दो बन गया एक। क्या आया? तीनों सत्ता इक्कीस मतलब भाग देने पर क्या आएगा? 27। तो आप हो गए 81 भाग 3 कितना आए? 27, जो पूर्ण घन संख्या है, जो पूर्ण घन है किसका है? 27 तीन का। किसका घन है? 27 तीन का। ये करना है। जो संख्या एक्स्ट्रा आती है आपको जोड़ा बढ़ने के बाद में जो संख्या बचती है उसका भाग दो। अभी हमने जो संख्या उससे पहले वाले में हमने क्या क्या गुणा की थी, अगर तीन है तो तीन से गुणा किया था, यहाँ भाग देना है तो तीन का भाग 81 में दे दो, कितने आएंगे? 27, जो एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। अगला है 128। पहले अभाज्य गुणनखंड करें, दो का भाग दें, दो का भाग 12 में गया 6 बार, दो का भाग 8 में गया 4 बार, वापस दो का भाग 6 में 3 बार, दो का भाग 4 में 2 बार, वापस दो का भाग 16 बार, वापस दो का भाग 8 बार, 8 में दो का भाग 4 बार, 4 में दो का भाग 2 बार, 2 का भाग 2 में 1 बार। हमने अभाज्य गुणनखंड करे 128 के, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया हमने 128 के अभाज्य गुणनखंड। अब हमें पूर्ण घन चाहिए, जोड़ा बनाए, कितने का जोड़ा? तीन तीन का, 1 2, ये दो एक्स्ट्रा बच गया, ये दो एक्स्ट्रा बच गया। हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? भाग देना है। इसका मतलब 128 में किसका भाग देंगे? 128 में दो का भाग दोगे तो दो का भाग 12 में 6 बार गया और दो का भाग 4 में 8 में 64 बार गया। 64 जो 4 का वर्ग है, 4 का घन है, 4 का घन है 64, 4 चौक 16, 16 चौक 64, जो पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन है और 64। इसी तरह देखें 135, इकाई संख्या 5, इससे बात देंगे 5 से, 5 गुणी 10 कितने कितने बच गए? 3, 5 7 35, 5 7 35। अब वापस है 3 से, 3 का भाग 27 में गया 9 बार, 3 का भाग 9 में गया 3 बार और 3 का भाग 3 में गया 1 बार, कितनी बार? 1 बार। अब लिखे 135 के गुणनखंड, 3 3 3 और 5, 3 3 3 5 क्या निकालना? घन। क्या निकालना है? घन। क्या बनाना है? जोड़ा। एक्स्ट्रा कौन आ रहा है? 5। कौन आ रहा है? 5। किसका भाग देंगे? 135 बटा 5 क्या आएगा?
52 वापस 2 का भाग दें 2 एकम 2 कितने बढ़ गए 15 7 2 14 आंसर नतीजे कितनी बार गया 6 बार 12 2 से भाग दिया कितनी बार गया 8 बार 16 और 8 बार 16 वापस 2 से भाग देंगे कितने आएंगे 44 वापस 2 से भाग दोगे आएगा 22 वापस 2 से भाग दोगे तो आएगा 11 कितना आएगा फिर 11 से 11 1 2 3 4 5 6 6 और 11 1 2 3 4 5 6 और 11 बनाना 1 3 3 का जोड़ा 3 3 एक्स्ट्रा कौन आ रहा है 11 एक्स्ट्रा कौन आ रहा है 11 704 में 11 का भाग देंगे देखिए 704 में 11 का भाग दे दे 11 6 66 11 6 66 10 में से 6 गए 4 6 में से 6 गए 0 सारा 4 11 का भाग 44 में जाएगा 4 बार आएगा 64 64 एक धन संख्या है यह है आपका क्वेश्चन नंबर 3